आज अपन पढ़ेंगे डिजीज ऑफ मस्टर्ड, मतलब सरसों के रोग। फर्स्ट रोग है, मतलब फर्स्ट डिजीज है वाइट रस्ट। वाइट रस्ट डिजीज है, उसके पेथोजन है एल्बुगो कैंडिडा, और इसके अन्य नाम है, वाइट रस्ट के अन्य नाम है मारीडियो रोग व टोंटिया रोग व वाइट ब्लिस्टर। और भारत में सर्वप्रथम सारण व लाकर 1988 में ब्रेसिका जूनसिया पर इस डिजीज को देखे थे। कौन सी डिजीज को? वाइट रस्ट को। जो मस्टर्ड का वाइट रस्ट डिजीज है उसको भारत में सबसे पहले सारण व लाकर ने 1988 में ब्रेसिका जूनसिया पर देखा गया था। नेक्स्ट है इसके लक्षण। जो वाइट रस्ट है इसके लक्षण, पौधों पर दो प्रकार से प्रकट होते हैं, एक तो लोकल इन्फेक्शन, दूसरा सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन। इनमें पत्ती तना व पुष्प परतों पर विभिन्न आकार के वाइट स्पॉट बन जाते हैं, जैसे कि अपन इस इमेज में देख सकते हैं वाइट स्पॉट बन रहे हैं। ये कौन सी डिजीज से बनते हैं? वाइट रस्ट से। ये वाइट स्पॉट है, ये एक दूसरे से मिलकर अनियमित आकार के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। ये वाइट कलर के जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये मतलब आपस में मिलकर इन बहुत बड़ा आकार ले लेते हैं और पूरी पत्तियां सफेद दिखाई देती है। दो प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, मतलब दो प्रकार के सिम्टम दिखाई देते हैं, एक तो लोकल इन्फेक्शन, दूसरा सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन। अब यह है सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन। आप इस इमेज को ध्यान से देखो कि पुष्प क्रम पर इस डिजीज का सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन होता है, तो इसको अपन ध्यान से देखो तो अपने आप पता चल रहा है कि इसमें ऐसे रोग हो रहा है। तो ये भाग फूल कर स्टेग हेड एप्रसेंस दर्शाता है, मतलब ये भाग इसका जो तना होता है, मतलब स्टेम होता है, वो फुला सा दिखाई दे रहा है, वो सफ़ेद सा हो रहा है, मतलब इसके तनों पर प्रभाव पड़ रहा है, तो सिस्टमेटिक इन्फेक्शन होता है ये। और लोकल इन्फेक्शन जिसमें वाइट स्पॉट लगते हैं। अब इसकी अपन इमेज देख लिए तो इमेज से अपन को पता चल सकता है कि वाइट रस्ट डिजीज है, इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं और मतलब ये कैसे पत्तों पर होते हैं। तो अब है इस रोग के लक्षण, पौधों पर दो प्रकार के इन्फेक्शन के रूप में प्रकट होता है। तो दोनों प्रकार में आपको इमेज से बता दिया, एक तो लोकल इन्फेक्शन, दूसरा सिस्टमेटिक इन्फेक्शन। लोकल इन्फेक्शन, इस तरह के इन्फेक्शन में पत्ती तना व पुष्प वरंतों पर विभिन्न आकार के वाइट स्पॉट बन जाते हैं। वाइट स्पॉट कैसे बनते हैं मैं आपको बता दी इमेज। ये एक दूसरे से मिलकर, मतलब एक दूसरे से मिलकर अनियमित आकार के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। अब है सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन। इसमें पुष्प क्रम पर इस डिजीज का सिस्टेमेटिक इन्फेक्शन होता है। नेक्स्ट है वाइट रस्ट डिजीज के पैथोजन क्या है, मतलब ये कौन से पैथोजन द्वारा फैलता है। ये एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा फैलता है। इसमें डोमेन यूकेरिया है, और इसका जींस जो पैथोजन होता है उसका फर्स्ट अक्षर होता है जींस, और सेकेंड अक्षर होता है वो स्पेसिज। तो स्पेसिज तो कोनिडिडा होगी, कंडिडा होगी, और जिन्स होगा एल्बुगो। इस पैथोजन को साइटोपस कैंडिडस के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं अपन को, अगर इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कि जो सरसों पैथोजन होता है उसको दूसरा नाम क्या है, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि साइटोपस कैंडिडस के नाम से कौन से पैथोजन को जाना जाता है। तो ये सरसों के पैथोजन को जाना जाता है, जो एल्बुगो कैंडिडा को जाना जाता है। जो वाइट रस्ट डिजीज में या जिस कवक के द्वारा फैलता है उसको ओब्लिगेट पैरासाइट फंगी है। ये कौन सा फंगी है? ओब्लिगेट पैरासाइट, मतलब अविकल्पी परजीवी है। अब पढ़ेंगे इसकी डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में मतलब इसकी जो डिजीज साइकिल होती है, इसकी सोइल ब्रोन डिजीज है। सोइल ब्रोन डिजीज मतलब ये मृदा में बहुत अधिक समय तक उत्तरजीवित रहता है। तो सोइल ब्रोन डिजीज उसे कहते हैं कि वह पैथोजन जो मृदा में उत्तरजीवित रहता है उसे सोइल ब्रोन डिजीज कहते हैं। तो इसके डिजीज साइकिल में फर्स्ट है सर्विवल, मतलब उत्तरजीविता। तो पैथोजन ओस स्पोर्ट्स के द्वारा सोइल में उपस्थित अवशेषों पर सर्विवल रहता है, मतलब इसका पैथोजन वाइट रस्ट का पैथोजन ओस स्पोर्ट्स के द्वारा मृदा में उपस्थित, मतलब मृदा में उपस्थित जैसे कि अपन फसल काटने के बाद उसमें वीड्स वगैरह अवशेष बचते हैं उन पर ये पैथोजन जीवित रहते हैं। नेक्स्ट है मतलब ये ओस स्पोर्ट्स होते हैं, ये मृदा में 21 वर्ष तक मृदा में सर्विल रह सकते हैं, मतलब 21 वर्ष तक ये मृदा में जीवित रहते हैं। तो अगर इनको अब अपन को फसल चक्कर अपनाना चाहिए,
कोई भी क्रॉप बोए तो अपन को अलग अलग फसल बोनी चाहिए। कि जैसे कि इस बार अपन खेत में सरसों बोले तो अगली बार उस खेत में सरसों नहीं बोना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे से डिजीज फैलते जाएंगे, कम तो होएगी नहीं और अपनी पैदावार नहीं बढ़ेगी। तो फसल चक्कर का मतलब यही है कि अलग अलग फसलें बोते रहना चाहिए। नेक्स्ट है मतलब जो वाइट रस्ट है उसका प्राइमरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन होता है मृदा में उपस्थित ओस्पोर्स तथा वीड पर बने जूस स्पोर्स के द्वारा होता है। मतलब जो मृदा में उपस्थित ओस्पोर्स है वो वीड्स पर मतलब खरपतवार पर जूस स्पोर्स के द्वारा कौन सा इन्फेक्शन होता है? प्राइमरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन, प्राइमरी इन्फेक्शन के मतलब जो जूस स्पोर बनते हैं उससे ही सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है। अब वाइट रस्ट डिजीज के लिए फेवरेबल कंडीशन है कि यह कौन सी टेम्परेचर पर या कौन सी नमी पर या कौन सी ह्यूमिडिटी पर यह अधिक फैलता है? तो 15 डिग्री टेम्परेचर पर यह डिजीज अधिक फैलता है और 60-80% ह्यूमिडिटी पर यह डिजीज अधिक फैलता है। नेक्स्ट जो वाइट रस्ट लगता है मस्टर्ड में उसका मैनेजमेंट अपन कैसे करेंगे? कल्चर प्रैक्टिस मतलब सस्य क्रियाएं, हमेशा हेल्थी व सर्टिफाइड सीड का यूज करना चाहिए। मतलब हमेशा प्रमाणित बीजों का उपयोग करना चाहिए और अच्छे बीजों का उपयोग करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन मतलब फसल चक्र अपनाना चाहिए जिससे कि रोग की संभावना कम रहे, मतलब रोग प्रकट होने का पर क्रॉप बहुत कम रहेगा, फसल चक्र अपनाएंगे तब। खेत के आसपास क्षेत्र से वीड्स को हटा देना चाहिए, मतलब खेत के आसपास क्षेत्र में अगर खरपतवार है तो उसे अपन हटा देना चाहिए। खेत को अच्छी तरह से सफाई करना चाहिए ताकि उसमें वीड्स नहीं रहे, और वीड्स आसपास दिखे तो उसको जला देना चाहिए। ईयरली सोविंग मतलब सोइंग ईयरली करनी चाहिए, अगेती बुआई करनी चाहिए। फिर है इसका केमिकल कंट्रोल कैसे करते हैं, जो वाइट रस्ट होता है इसका केमिकल कंट्रोल कैसे करते हैं? तो बीजों को मेटालेक्जिल या मेनकोजेब से उपचारित करते हैं। मेटालेक्जिल की मात्रा 6 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से और मेनकोजेब इसकी 2.5 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से बीजों को उपचारित करनी चाहिए, मतलब सीड ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर खड़ीफ फसल में लक्षण दिखाई दे तो ब्रोडो मिश्रण का छिड़काव करना चाहिए। ब्रोडो मिश्रण का मतलब 0.3 से 0.8% के बीच में इसका छिड़काव करना चाहिए अगर खड़ीफ फसल में लक्षण दिखाई दे तो। अब पढ़ेंगे जो मस्टर्ड का सेकंड डिजीज है इसके लिए रोटीनिया रूट। मस्टर्ड का फर्स्ट डिजीज अपन को पढ़ लिया, वाइट रस्ट अपन उसको पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे इसके स्क्लेरोटिनिया रूट। इसका स्क्लेरोटिनिया रूट का अन्य नाम है मतलब वाइट रूट भी कहते हैं इसको, स्टेम ब्लाइट भी कहते हैं और वाइट ब्लाइट भी कहते हैं। तो ये मस्टर्ड का डिजीज है इसके स्क्लेरोटिनिया रूट है, इसके राजस्थान में रोग की खोज गेलहार्डिया प्लांट पर रोई और अग्नियोत्री द्वारा 1970 में जोबनेर जयपुर में किया गया था। मतलब जो स्क्लेरोटिनिया रूट है मस्टर्ड का, इस डिजीज की खोज राजस्थान में, इस डिजीज की खोज जो गेलार्डिया प्लांट पर रोई नामक और अग्नियोत्री नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने 1970 में जो जोबनेर जयपुर में खोजा गया था। नेक्स्ट है इस रोग के लक्षण, इसके स्क्लेरोटिनिया रूट के सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं? तो अपन चलो इसके स्टेम मतलब इसके अपन सिम्टम्स अपन इमेज द्वारा देखते हैं, ताकि इमेज से देखेंगे तो अपन को अच्छे से याद हो जाएंगे और अपने दिमाग में ऐसे कि ऐसे याद हो जाएंगे, लंबे समय तक याद हो जाएंगे अगर अपन इमेज से पढ़ेंगे तो। अब जो ये डिजीज है इसके स्क्लेरोटिनिया रूट डिजीज है, इसके लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं जैसे पत्तियां गिरने के साथ ही पौधा सूख जाता है। जब इसकी पत्तियां गिरती है तो पौधा ही सूख जाता है। तो देखो तना सूख रहा है, तो अपन इस इमेज से पता चल सकता है कि ये कौन सा डिजीज है सरसों में, इसके स्क्लेरोटिनिया रूट डिजीज है। तो इसे अपन इमेज से अपन को पता चल सकता है, तो इसकी पत्तियां गिरेगी, तो अगर पत्तियां गिरते ही मतलब पत्तियां सूख कर गिरती है तो इसका पौधा सूख जाता है। अब इसके मतलब पैथोजन क्या होता है, ये कौन से पैथोजन मतलब कौन से कवक के द्वारा फैलता है? ये एक स्क्लेरोटिनिया स्क्लेरोसियोरम नामक एक कवक है जो इसका पैथोजन है, इसके द्वारा ये डिजीज फैलता है। कौन सा डिजीज फैलता है? स्क्लेरोटिनिया रूट डिजीज। तो इसके डिजीज साइकिल है मतलब ये सोइल बोर्न डिजीज और मोनोसाइक्लिक डिजीज होता है। सोइल बोर्न डिजीज मतलब जो पैथोजन मृदा में जीवित रहते हैं उसे सोइल बोर्न डिजीज कहते हैं, और मोनोसाइक्लिक डिजीज मतलब जो एक वर्ष तक अपना प्रकोप रखते हैं उसे मोनोसाइक्लिक डिजीज कहते हैं। तो ये जो डिजीज का प्रभाव
मतलब पौधों को पर एक साल तक रहता है, और ये सोइल ब्रोन डिजीज होता है, ये सोइल ब्रोन और मोनोसाइक्लिक डिजीज होता है। अब इसका केमिकल कंट्रोल कैसे करेंगे, जो इसके लेयर और टीनिया रूट है, इस डिजीज का कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको बीजों को कार्बंडाजिम 0.1% से उपचारित करना। कितनी मात्रा लेनी चाहिए, 0.1% से कार्बंडाजिम उपचारित करना चाहिए। और जो इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करेंगे, इसका जो इसके लेरोटीनिया रूट है, इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल ऐसे करेंगे जैसे कि ट्राइकोडर्मा कल्चर से बीजों उपचार करना चाहिए, मतलब ट्राइकोडर्मा कल्चर से सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, मतलब 4 ग्राम प्रति किलो हिसाब से बीजों को उपचारित करना चाहिए।